आपने इस गरीबों के हित के लिए बड़े इंपॉर्टेंट बिल के ऊपर मोटर वाहन अधिनियम 2015 पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे माननीय मंत्री जी जो सड़क और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। 18 दिसंबर को भी ये बिल सर लाया गया था। सर क्वेश्चन पैदा होता है ये बिल लाया क्यों गया? सर क्वेश्चन ये रेज होता है कि गरीब आदमी को रिक्शा ढोने पर शहरों में मजबूर क्यों होना पड़ा? सर 1971 में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ देश बचाओ, अगर उन लोगों को गांव में रोजगार दिए गए होते, उनको शौक नहीं है शहरों में आकर रिक्शा खींचने के लिए अपना पेट पालने की जरूरत नहीं थी उनको। सर देश की 68 साल की आजादी में उनको उनका हक नहीं मिला। आज वो गरीब आदमी रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों में आता है और शहरों में आने के बाद वो अमानवीय व्यवहार के कारण प्रताड़ित होता रहा, वो बीमार हो गया। माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से 18 दिसंबर के उस भाषण में कहा था कि किस प्रकार से लोग बीमार होते हैं, लेकिन ये जो गरीबों की पीड़ा है, इस गरीबों के रोजगार की पीड़ा है, उसको चोर ना बनना पड़े, जेब तराश ना बनना पड़े, अगर वो रिक्शा खींचकर वो अपना जीवन यापन कर सके तो मुझे मालूम नहीं इन मेरे विपक्ष के बंधुओं को क्या आपत्ति है। अभी भाई मान जी कह रहे थे एक एक व्यक्ति के पास 200-200 रिक्शा होती हैं, वो पहले होती थी। इस बिल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस बिल में प्रोविजन दिया गया है रिक्शे का मालिक वही होगा जो रिक्शा चलाएगा, उसी को लोन दिया जाएगा, ठेके पर रिक्शा नहीं दी जाएगी। इस बिल में बड़ा स्पष्ट किया गया इस बात को लेकर कि उस गरीब को भी आत्म स्वावलंबी होने का अधिकार यह सरकार देने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था यह सरकार गरीबों को समर्पित है, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना है, इसीलिए ले दर्पण दिखाता है मेरे विपक्ष के बंधुओं को कि भारत सरकार की मजबूरी ऑर्डिनेंस लाने के लिए कि गरीबों का हितैषी का नाटक करने वाले लोग गरीबों के हित के बिलों को भी ये पास नहीं करने की इजाजत दे रहे हैं। मुझे लगता है इसीलिए ऑर्डिनेंस सरकार लाने पे मजबूर है। सर मैं बताना चाहता हूं ये बात स्पष्ट हो गई कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, तो जाके पैर न पड़े बिवाई भोक्या जाने पीर पर आई। राजा का बेटा राजा बनते चले हैं, खानदानी प्रवृत्ति चली आई है इस देश के अंदर, उनको गरीबों की पीड़ा की चिंता नहीं थी सर, इसीलिए आज गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना है, तो हमारे माननीय मंत्री जी ने उन गरीबों की चिंता को जाहिर किया है। अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूँ, हाई कोर्ट की बात अभी कर रहे थे, आपने कीमत दी थी, आपने कीमत दी थी, आप पाखंडी बात, गरीब का बेटा था इसलिए बोल रहे हैं, गरीब का बेटा था विरासत में लेकर नहीं आया। सर सर हाई कोर्ट की जहां तक बात सर की जा रही है, हाई कोर्ट को सर बीच में क्यों आना पड़ा? अगर किसी भी देश की हाई कोर्ट गरीबों के हित में ऐसा निर्णय देती तो सरकार फिर भी पॉजिटिव रुख अपनाती थी। हाई कोर्ट को सर तब आना पड़ा दिल्ली हाई कोर्ट को कि दिल्ली में 15 साल से इनकी सरकार थी, 10 साल से यूपीए की सरकार थी, यूपीए की चेयरमैन माने सोनिया जी बैठी हुई हैं, रामलीला मैदान में 2 साल पहले आश्वासन देकर आई थी हम तुम्हें लाइसेंस देंगे, 2 साल तक उनके रिक्शा सीज होते रहे गरीबों के, वो बेचारे अपना ऋण नहीं चुका पा रहे थे इसमें लिए, इन्होंने कहने के बाद उनको आश्वासन नहीं मिला उन लोगों को, तो हाई कोर्ट को मजबूरी में सर निर्णय लेना पड़ा। सर मैं बताना चाहता हूं इसी प्रकार के जुगाड़ टाइप के स्टेटों के अंदर जो इंजनों को जोड़कर लोगों को यात्रियों को एक जगह से दूसरे गांव में ले जाते थे, उनसे ब्रेक फेल होते थे, एक्सीडेंट होते थे, लोग मरते थे, ये अगर सरकार चिंता करती हो गरीब लोगों की जान बचाने की तो इस सरकार को ऑर्डिनेंस चलाने की सर जरूरत नहीं पड़ती। सर इस रिक्शा के अंदर सर इस रिक्शा में लाइसेंस देने की जो सरकार ने व्यवस्था की है कि वो जो गरीब लोग हैं पहले 10वीं पास व्यक्तियों का तो लाइसेंस बनेगा, अरे सर अगर उनके माँ बाप के अंदर इतनी हैसियत होती उनको पढ़ाने लिखाने की तो उनको दिल्ली और बंबई कलकत्ता जाने की जरूरत पड़ती, वो अगर 10वीं पास करने की हिम्मत रखे अब 10वीं पास का टैग लगाकर उनके लाइसेंस नहीं बनाए जाएंगे। इस सरकार ने व्यवस्था की कि वो 7वीं 8वीं पास भी हो और सरकार सभी राज्य की सरकार उनका फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाए, उनके स्वास्थ्य की जांच करें और उनको तब लाइसेंस प्रोवाइड कराए जाएं, पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाए उनको और फिर तुरंत उनको 1 साल के अंदर उनका परमानेंट लाइसेंस की व्यवस्था की जाए। इस बिल के अंदर क्या गरीब के विरोधी है, क्यों इनको दर्द आ रहा है कि सरकार अच्छे काम करेगी तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना धीरे धीरे समाप्त हो रहा है? हम तो जीरो नहीं है मैडम। सर मैं बताना चाहता हूं दिल्ली में हम तो जीरो नहीं है, हम तो आज भी एमसीडी में 7 सांसद हैं, दिल्ली में ये जीरो बैठे हैं, छाज तो बोले छल्ली बोले इसमें 100 छेद जो पूरे देश में समाप्त हो गए वो हमें दिल्ली में जीरो बता रहे, तो
इसीलिए इन लोगों को समझना चाहिए, इसलिए मैं इस ऑर्डिनेंस के इस बिल के फेवर में खड़ा होने के लिए खड़ा हुआ हूं और बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपने मुझे 5 मिनट का समय दिया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।